यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट एक्टर आमिर खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान करने के बाद बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिससे बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री ही हिल जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ जो कि है महाभारत, उस पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसमें आमिर खान का एक बड़ा और मेन रोल होगा। आपको ये भी बता दें कि रिलायंस कंपनी के मालिक यानी मुकेश अंबानी जी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म महाभारत की 5 सीरीज को लेकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी बजट रखा जाएगा। रमेश ने यह भी बताया कि ये जो फिल्म है महाभारत, ये उसी लेवल की होगी जिस लेवल की हॉलीवुड की गेम्स ऑफ थ्रोन्स और लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स की सीरीज है। हालांकि अभी तक ना तो आमिर खान की तरफ से और ना ही मुकेश अंबानी जी की तरफ से इस पूरी बात पर कोई भी कंफर्मेशन आ पाई है। मीडिया की खबरों को माने तो आमिर खान जब सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे तब उन्होंने ये भी बताया था कि उनका महाभारत जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना एक ड्रीम से कम नहीं होगा। आमिर खान ने बातचीत में ये भी बताया कि इस फिल्म को करने के लिए उन्हें कम से कम अपने करियर के 10 से 15 साल देने होंगे और वह इस फिल्म में करण का रोल सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो इस रोल को करना डिजर्व भी करते हैं या नहीं। फिलहाल तो इस पूरी चर्चा पर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अभी से ही आमिर खान के सभी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। खैर, हम तो यही विश करेंगे कि आमिर खान जल्दी से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करें और सभी की उम्मीदों पर खरे उतरें।